हेलो गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अभी मैं हूँ सैथिया स्टेशन पे और यहाँ पर कुछ यूनिक है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं, ये लोअर पेंटोग्राफ साइन बोर्ड है जो बहुत ही यूनिक है। हम लोग को ये कम ही देखने के लिए मिलता है सेक्शन में। ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये जो सैथिया स्टेशन है, यहाँ पर मैक्सिमम जो मतलब सारी ही जो ट्रेन चलती है, जितने भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है, सभी को अपना पेंटोग्राफ डाउन करके पार करना पड़ता है। इसका रीज़न क्या है वो इधर सामने है, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है वो रीज़न जिसके कारण सैथिया में जितने भी लोकोमोटिव्स जाते हैं, सब अपना पेंटोग्राफ लोअर करके जाते हैं। यहाँ जो ये ब्रिज है रोड क्रॉसिंग का, इसका लेवल बहुत ही नीचे है, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को पेंटोग्राफ लोअर करके जाना होता है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, देखिए आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पेंटोग्राफ नीचे है, बहुत लोअर है। तो जैसे ही ये ब्रिज क्रॉस होता है, उसके बाद हम लोग पेंटोग्राफ को रेज कर सकते हैं। उसके लिए ये साइन बोर्ड है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, पेंटोग्राफ राइज करने के लिए। तो ये एक अपनी तरह से बहुत ही यूनिक क्या बोलते हैं वर्किंग है जो यहाँ पे सैथिया स्टेशन पे फॉलो किया जाता है। आपको यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उसको अपना पेंटोग्राफ लोअर करके यहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। स्टेशन सेक्शन का ये जो छोटा सा पार्ट है, ये पूरा न्यूट्रल सेक्शन होता है। तो अगर इनके अगर पेंटोग्राफ अगर रेज भी कर रहा है तो उसमें उसको पावर नहीं मिलेगा, रोड के इस साइड या रोड के उस साइड ही मिलेगा। उस वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो न्यूट्रल सेक्शन है, जिसके कारण वहाँ पर मतलब कोई भी अनवांटेड इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये एक अलग तरीके का वर्किंग देखने को मिला होगा। ऐसा हम लोग को भी बहुत कम ही मिलता है। ये पूरे ईस्टर्न रेलवे में शायद एकमात्र ऐसा ही एक स्टेशन है जहाँ पर ऐसा पेंटोग्राफ को लोअर करके जाना होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।